सभी को नमस्कार। एक अपने स्कूल टाइम की घटना है, सच्ची घटना है ये। एक दिन मैथ्स की क्लास चली हुई थी और प्रिंसिपल सर रूम में आए, बोले कि वही कल सुमित तेरे को नहीं आना है, डीओ साहब आएंगे और तू सबसे होशियार बच्चा है, स्कूल की बेइज्जती करवा देगा, तो इसलिए कल छुट्टी करनी है तेरे को और अटेंडेंस हम लगा देंगे। तो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, मैं अगले दिन कमी नहाता धोता था, लक्स साबुन से नहा के मैं स्कूल में गया। प्रिंसिपल ने जाते ही माथे में हाथ मारे, वो आ गया गुरुजी, मैं बेइज्जती करा होगा स्कूल की। इस तरह बाढ़ के प्रिंसिपल ने और टीचर ने अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे कभी भी। इतनी देर में डीओ साहब आ गए, लक्ष के साथ बन गया नहा रहा था, सारे मागले बेंच पर बैठना था ही। मैं गुठरी बढ़िया, डीओ साहब सीधे रूम आए और बच्चा था इंट्रोडक्शन कराया। इंट्रोडक्शन करने के बाद डीओ साहब ने सवाल पूछ लिया कि भाई नारियल के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। नारियल का हमने नया भी ना बेरा था, पर अपने घर में डालडा की पीपी देखा करते, डालडा की पीपी उस पर नारियल के पेड़ छपया करते। तो मन सारे में पहले मार ठाया, मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। प्रिंसिपल साहब और टीचर नु बोले क्यों बेइज्जती कराओ है, नु बरात कर लेनी चढ़ी हो साहब ने, नु बोले लिया छोरा ठहरिया सारे मुंह पर, बोले बेटा बता कित है। मैं खिड़िया सर नारियल के पेड़ डालडा घी की पीपी पी पे पाए जा है। डीओ साहब हसे प्रिंसिपल और टीचर साहब अपने माथे बात लाए खड़े, अब वो करे अब काम हो रहे हैं। डीओ साहब ना के मैं बोल लिया बेला बैठ जा भाई ठीक सा, बोलिया चलो बच्चों एक सवाल और पूछते हैं। बोलिया ऐसे जानवर का नाम बताओ जो पेड़ पर उल्टे चढ़ जा, टीवी में देखते रह खेदे पेड़ पोल्टे चढ़ते पर नाम भूल गए, न्यू बेरा था वह काले रंग की आछे भर आ रहा था। मैं फिर हाथ लिया हाथ ही सा हो रहा, जो गरीब लिख दिया लिख दिया, नू मैं बताऊंगा हाथ का ढंडा हो रहा। डीओ साहब नू बोले बता भाई पास हला दे तेरा गलत था, जो बता दी भी कहते तू हाथ भी का ढंडा हो रहा कंधे में दगती बता दे। मगर डीओ साहब है मारी महेश चढ़ गया उल्टी एडा वह। तो मास्टर जी ने प्रिंसिपल साहब ने ऐसे बात मैं कमरे छोड़ दिया, दिन वाले भाई तारीख कुछ नहीं हो सकता।